हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरट 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है, और क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के आपकी तरफ आएंगे और आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस भी मैं देखूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट यू। इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी, ठीक है। सो आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, आप लोगों ने जस्ट करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में, ताकि मेरा टारगेट जो सब्सक्राइबर का है वो कंप्लीट हो और मैं आप लोगों के लिए वंस इन अ वीक यूट्यूब पे फ्री रीडिंग का सेशन स्टार्ट करूँ, ठीक है। बिकॉज मैं वैसे तो पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ और काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं कमेंट सेक्शन में रीडिंग के लिए, और वैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं वहाँ आंसर सबका नहीं वो कर सकती, ठीक है। तो वंस इन अ वीक करूँगी ताकि आप लोगों के सब क्वेश्चंस का आंसर आपको मैं लाइव वीडियो में दे सकूँ। सो आपने जस्ट करना ये है कि सिर्फ एक क्लिक करना है आप लोगों ने सब्सक्राइबर के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा टारगेट जल्दी से कम्प्लीट हो और मैं आप लोगों के लिए लाइव रीडिंग करना स्टार्ट करूँ, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अपने पार्टनर पे, अपने पर्सन पे अपना फोकस बना के रखें और पॉजिटिव रहें। सो मैं देखूंगी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है, और थर्ड पार्टी से निकल के क्या आपके पर्सन आप लोगों की तरफ आएंगे, आएंगे तो कब तक आएंगे, और आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, तो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज पॉजिटिव रहें और अपने पर्सन पे अपना फोकस बना के रखें। रीडिंग जो है सब टाइमलेस है मेरे चैनल पे, और आज की रीडिंग भी इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती कुछ भी अपनी सिचुएशन पर फिट नहीं करना, ओके। नंबर वन, फोर ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, इनका स्टार साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ स्वॉर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड। टू मोर कार्ड्स, दो कार्ड्स मैं और लूंगी। सेवन ऑफ बैंड्स, थर्ड पार्टी और मेरे रिवर्स के पर्सन के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, द एम्परर, ये भी मैं कार्ड ले लूँगी, एक्स्ट्रा कार्ड आया, द एम्परस, वेरी नाइस, आप लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे क्या है, जजमेंट, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन जो है उनका स्टार साइन जो है यहाँ पे एरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके, दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, एंड टॉरस एंड जेमिनी, तो यहाँ पे कपल आया है, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं इस वक्त आपके साथ तो कपल फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन की आप लोगों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ जो है ये पर्सन अपने आप को यहाँ पे, आप लोगों ने अपनी बेस पे रीडिंग देखनी है, जो मुझे कार्ड बताएंगे मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन जो है अपना आप लोगों के साथ भी कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करता है, लेकिन इस पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो इस पर्सन को लगता है थर्ड पार्टी की तरफ, इस पर्सन को लगता है वो उसका लाइक ट्रू कपल है, ठीक है। बिकॉज द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये कार्ड जो हैं एक कपल के कार्ड हैं, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा कपल फील करता है, सोलमेट कनेक्शन फील करता है थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन,
ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इनके बच्चे भी हैं, ठीक है, ये लाइक मैरिड पर्सन है और इसके बच्चे भी हो सकते हैं, या हो सकता है अगर बच्चे नहीं है तो ये थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे प्रेग्नेंट नज़र आ रही है, लेकिन इस पर्सन को आपके साथ भी जो है लव फील होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक ये पर्सन हो सकता है और आपके लिए भी इसकी अट्रैक्शन है, लेकिन थर्ड पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग एंड चार्मिंग ये पर्सन देखता है, ठीक है। एंड ये पर्सन के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स वगैरह भी आ रही हैं, इसके थर्ड पार्टी को देखता भी है अपना कपल, लेकिन इसके थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन को, शायद ये थर्ड पार्टी के साथ है तो है, लेकिन इसको यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील करता है, लेकिन इसके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस पर्सन के आपके साथ भी लड़ाई झगड़े हुए हुए हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हुए हैं आपके इस पर्सन ने, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपको नाराज़ भी किया है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है आप लोग इससे मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, तभी ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस फील करता है, काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसको एक पुअर टाइप की सिचुएशन फील हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोगों का यहाँ पे टेन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये पर्सन का बहुत बुरी तरह आप लोगों का इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, सीरियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों का दिल टूटा हुआ है, बिकॉज इसने आपको छोड़ कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, इसने आपके साथ डिसेप्शन किया है, धोखेबाजी की है, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन जो है धोखेबाजी तो इसने कर ली है, लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ जो है बात करना चाहता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के बच्चे भी हो सकते हैं और ये प्रेग्नेंट भी मुझे लग रही है कि है थर्ड पार्टी, हो सकता है आपकी इस पर्सन से शादी हुई थी और आपके इस पर्सन के साथ शादी के बाद बच्चे भी हुए हैं, बच्चे के बाद आप लोगों के सेपरेशन हुआ, ठीक है। इस पर्सन के साथ मुझे लग रहा है आप लोगों की शादी हुई थी, उसके बाद आपका सेपरेशन मोड स्टार्ट हुआ, हो सकता है आप लोगों की डिवोर्स वगैरह हो गई हो या आप लोग सेपरेटेड हो गए हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों को सो इसने डिसेप्शन किया है और ये पर्सन आप लोगों को छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ धोखेबाजी इसने किया, लेकिन ये पर्सन अब आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ठीक है। आपको इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है, कॉल टेक्स्ट मैसेज इस पर्सन की तरफ से आप लोगों को 8 डेज में आ सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का शायद ये थर्ड पर्सन जो है इसको वहाँ से भी कुछ धोखा वगैरह मिल रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी है, ठीक है। पोजेसिवनेस इसकी आप लोगों के लिए ज़्यादा है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए इसने अपना क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा बंद किया हुआ है, ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ तो गया है, लेकिन आप लोगों के साथ भी फीलिंग्स इसकी पर्सन की मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। पर्सन आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है, ये काफ़ी पर्सन हेल्प करने वाला हो सकता है लोगों की, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों का इस पर्सन के साथ पास्ट में इसका बैलेंस नहीं, इस पर्सन ने आप लोगों के साथ बनाया, अब आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी ही है, इस पर्सन को लगता है कि आप इसी के हो तो आप इसी के ही रहो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहा है, इस पर्सन ने अभी अपना रेस्टिंग मोड पर लगा हुआ है, फोर ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, और काफ़ी ये पर्सन हार्डवर्क भी कर रहा है, यहाँ पे इसको फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना तो पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है इसे फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ, तो इसका कहीं पे भी कोई भी लविंग कनेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे कप का कार्ड कोई भी नहीं है, वाटर एनर्जी बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आप लोगों के साथ कपल भी फील करता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे प्रेग्नेंट नज़र आ रही है, ये पर्सन फादर फिगर हो सकता है, ठीक है, आप इस पर्सन के बच्चे भी हो सकते हैं, आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है अभी अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे, और आप लोगों के साथ भी हार्डवर्क करना चाहता है, लेकिन ये अपनी फाइनेंशियली इसको क्राइसिस जो चल रहे हैं उस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं, और आपके रास्ते में कोई हर्डल्स वगैरह भी आ रही हैं या थर्ड पार्टी के साथ इसकी हर्डल्स काफ़ी वगैरह चल रही हैं, जहाँ से ये अपना डट के वहाँ पे मुकाबला कर रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज भी लगती हैं इसको आप तक पहुँचने में, लेकिन अगर थर्ड पार्टी इसकी ब्लॉकेज कोई क्रिएट कर रही है आप लोगों के लिए, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहता है, ये पूरा पूरा मुकाबला कर रहा है, ठीक है। अब इसने अपने आप को जो है इतना ज़्यादा लाइक कर लिया है कि अब रास्ते में कोई भी हर्डल्स वगैरह आएंगी, कोई भी ब्लॉकेज आएंगी, तो ये उस चीज़ को तोड़ के, उस चीज़ का फेस करके, उस चीज़ के साथ जो है पूरा यू नो मुकाबला करके आप लोगों की तरफ आएगा, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन अभी वेट कर रहा है किसी ना किसी चीज़ का, या फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहा है तभी आप लोगों की तरफ आए, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों को छोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ गया है, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है,
आप लोग चाहते हो ये पर्सन आप लोगों की तरफ आए, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आप लोगों के साथ बात वगैरह कर सकता है। जिस तरह तेज़ी से ये थर्ड पार्टी की तरफ गया है, उतनी तेज़ी से ये पर्सन आप लोगों की तरफ आ सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए 555 इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली ये पर्सन चेंज चाहता है। अभी ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है थर्ड पार्टी से, शायद इसको कोई थर्ड पार्टी, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर्स को थर्ड पार्टी की तरफ से भी धोखा मिला है। आप लोगों के साथ उसने धोखा किया, तो आप इसको थर्ड पार्टी की तरफ से भी धोखा मिला है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन जो है ना, इसने अपने आप को दुबाया हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इगोइस्टिक है, कंट्रोलिंग है। ठीक है, एंगर इश्यूज़ भी इस पर्सन को हो सकते हैं, अपनी बात मनवाने वाला। ठीक है, एक हेड ऑफ द फैमिली जो होता है पर्सन, ये वो हो सकता है कि सारा चार्ज इसके हाथ में है। लेकिन मुझे डेफिनेटली मोस्टली मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपकी इस पर्सन से शादी हुई थी और बच्चे भी थे, बच्चे भी हैं आप लोगों के, और ये पर्सन छोड़ के फिर भी दूसरी पार्टी की तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ गया है आप लोगों को छोड़, जबकि इसको कहीं ना कहीं पता है कि आप लोग ही इसके ट्रू पार्टनर हो। लेकिन मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना, वो लग रही है प्रेग्नेंट, आप सिंगल हो, और या अगर मैरिड भी ये पर्सन आपके साथ है तो थर्ड पार्टी हो सकता है प्रेग्नेंट हो, अगर इसकी शादी हुई है। लेकिन डेफिनेटली अगर इसकी शादी नहीं हुई हुई तो ये पर्सन को वहाँ से धोखा मिला और आप लोगों की तरफ आना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन ने अब अपना क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा थर्ड पार्टी के लिए बंद किया हुआ है और आप लोगों के साथ बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो आप लोग। चले, मैं देखूँगी कि आप लोगों के लिए इस पर्सन की और फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी के दरमियान, और मज़ीद क्या चल रहा है। डिफरेंट डेक से देखते हैं क्या ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। मुझे लग तो रहा है कि आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अकेला है इस वक्त। द एम्परर सेम कार्ड आ गया है, द एम्परर एंड द एम्परर डिफरेंट डेक से सेम कार्ड आया। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है और फादर फिगरली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन जो है ना, यहाँ आपके बच्चों का फादर है, आपको छोड़ के इसने थर्ड पार्टी चूज़ की है और इसने काफ़ी ज़्यादा अपने आप की फीलिंग्स दबाई हुई हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पर्सन जो है गुस्से वाला हो सकता है ये पर्सन, इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता होगा, अपनी बात मनवाने वाला कि मेरी मानी सुनी जाए। चलें और देखते हैं। ये एरिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है, यहाँ पे एरिस पर्सन का साइन हो सकता है। वैसे तो रिगार्डलेस स्टार साइन, अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स सेम कार्ड, डिफरेंट डेक्स से सेम कार्ड आ रहे हैं, डबल कन्फर्मेशन आ रही है। ये पर्सन आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन ने अगर बैलेंस बनाया भी है थर्ड पार्टी के साथ, तो इसको फिर भी वहाँ से मुझे लग रहा है ये पर्सन खुश नहीं लग रहा मुझे, लेकिन आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप लोग भी हेल्पफुल हो, लोगों की मदद करने वाले, आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन आप लोगों के पास आए। फाइव ऑफ वैंड्स, तो ये पर्सन जो है इसके काफ़ी ज़्यादा झगड़े वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इसके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, आपके साथ भी इसके पास्ट में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए हैं, लेकिन अब थर्ड पार्टी के साथ भी इसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन रहा। ये बैलेंस बनाना चाहता है लेकिन इसका बैलेंस नहीं बन रहा है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा एक यू नो ब्लॉकेजेस वगैरह चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक हलचल सी मची हुई है, और लोगों के साथ भी इस काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के क्लैश वगैरह चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है। इसका मेंटल कन्फ्लिक्ट में भी होगा और किसी ना किसी काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ भी इसके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। हो सकता है इसकी फैमिली के साथ और थर्ड पार्टी के साथ इसकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, बहरहाल पांच लोगों के साथ कोई इसके चल रहे हैं कोई लड़ाई झगड़े, एक से एक बंदा नहीं है, थर्ड पार्टी के अलावा इसकी फैमिली वाले लोग भी हैं जिनके साथ इसका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है। आप लोग भी, आप लोगों के साथ मैरिड भी ये पर्सन हो सकता है और थर्ड पार्टी भी यहाँ पर बच्चा है उसका। उस एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पे, अभी भी गिरा था मैंने उसको, गिरा था मैंने शफल करते हुए कार्ड एम्प्रेस का। डेथ, ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जाता है, यहाँ इसकी लाइफ में किसी किस्म की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन की इतनी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है कि लाइक आपका फिर डेथ ही बाकी रह जाती है, इतना ज़बरदस्त आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चलती है जब ये डेथ का कार्ड आता है। थर्ड पार्टी से ये पर्सन निकलना चाहता है और हो सकता है निकल के आप लोगों की तरफ आए। पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग है, बैलेंस बनाना चाहता है और ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है ये पर्सन, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, आप लोगों के लिए पर्सन की काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बैलेंस बनाना चाहता है और आप लोगों के लिए इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा लव फील करता है आप लोगों के लिए। और ये पर्सन है अभी, अपनी सिचुएशन इस पर्सन की अभी ऐसी है कि इस पर्सन ने अभी कप तो पकड़ा, आपको ऑफर करना चाहता है, आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इस पर्सन ने अभी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा
दबाया हुआ है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को इस पर्सन ने अपने अंदर छुपाया हुआ है, दबाया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली जब ये पर्सन आप लोगों की तरफ आएगा तभी आप लोग इसे एक्सेप्ट कर सकते हो ना, अदरवाइज़ तो यहाँ पे आप लोग थोड़ी जाओगे इसके पास। डेफिनेटली ये पर्सन छोड़ के गया तो आना भी इसी को चाहिए। द डेविल, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी नेगेटिव हो सकता है। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए किसी ने मैनिपुलेट किया, ठीक है। यहाँ पे जेलसी और एनवी की मुझे वाइब्स कैच हो रही हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह से मैनिपुलेट होकर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है और थर्ड पार्टी की तरफ गया है। थर्ड पार्टी अब भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट आप लोगों के लिए कर रही है, ठीक है। उसको दिखा कुछ रही है कुछ। ये पर्सन हो सकता है सेक्चुअल एडिक्शन की वजह से थर्ड पार्टी की तरफ गया है, ठीक है। जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन है इस पर्सन को, हो सकता है ये आपस में सेक्चुअल भी हुए हों, ठीक है। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं भी है तो भी ये किस थर्ड पार्टी के साथ है तो, ठीक है। इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है। सो आई थिंक इतना नेगेटिव पर्सन हो तो मैं तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको इस पर्सन के साथ रहना चाहिए, वापस भी आए तो चांस देना चाहिए, जबकि ये कोई सॉलिड जब तक आपको ऑफर करे ना तब तक। बिकॉज रिलीज द नेगेटिविटी एंड रिलीज द टॉक्सिसिटी, बिकॉज मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है ये पर्सन कुछ टॉक्सिक लग रहा है मुझे। इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन मोस्टली नज़र आ रहा है आप लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। सो रिलीज द नेगेटिविटी। टू ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ सोलमेट कनेक्शन फील करता है, आप लोगों के साथ रियूनियन चाहता है, ठीक है। इसको लगता है आप लोग ही इसके ट्रू सोलमेट और ट्रू पार्टनर हो आपके, ठीक है। पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आप लगता है इस, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए लव और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो इसका स्टार साइन हो सकता है, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ रियूनियन चाहता है, ठीक है। चाहता है कि थर्ड पार्टी से निकल के आप लोगों की तरफ आए। डेथ एंड टू ऑफ कप्स, निकल के ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है ताकि कुछ चेंजिंग आए और एक सब चीज़ पिछली ख़त्म हो के न्यू स्टार्ट हो और आप लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन इस पर्सन का फील हो। ये पर्सन आपको डेट करना चाहता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड, इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है ट्रस्ट इश्यूज भी किए हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी इसका वही हाल है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने रीडिंग की थी तो ये कार्ड आया था सेवन ऑफ स्वॉर्ड का। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा चीटर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिसेप्शन है। इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन के रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है इसकी इंटेंशन अभी भी ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लालची ग्रीडी ये पर्सन मुझे लग रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है। द डेविल एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इज़ सो टॉक्सिक, टॉक्सिक एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ अ लायर, व्हाटएवर मेल और फीमेल, मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चलाकियाँ और यू नो काफ़ी ज़्यादा चालबाजियाँ, माइंड गेम्स खेलने वाले, मैनिपुलेट करने वाले, डिसेप्शन, झूठे, थीफ टाइप। आई एम सॉरी बट आई एम पिकिंग दिस एनर्जी, ठीक है। तो मैं वही बता रही हूँ आपको जो मुझे नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी डिसहार्ड ना हो, ठीक है। बिकॉज इतनी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी हो तो आई थिंक उस पर्सन को खुद ही छोड़ देना चाहिए, बल्कि दोबारा आए भी तो उसको आप लोग ज़रूर अपना जो आप फील करते हो, जो आपके दिल में है, कुछ भी आप क्लियर करो उससे बात, लाइक कि भाई ये हुआ था लास्ट टाइम, और इस तरह करके क्लैरिफाई करो और बस फ़र्क करो। इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप लोगों को आगे चांस देना चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर्स की उनके लिए इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन मोस्टली टोटली डिसेप्टिव पर्सन है ये, ठीक है। वो चोरों वाली एनर्जी होती है ना, सॉरी टू से बट चोरों टाइप की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन कभी अपनी कार्मिक साइकिल से डील कर रहा है, ठीक है। इसका कोई ना कोई साइकिल अभी चल रहा है और ये पर्सन जो है आपकी तरफ आने के लिए चाहता है। डिवाइन इसका साथ देंगे, बट डिवाइन टाइमिंग भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है और चाहता है इसका किस्मत साथ दे और ये आप लोगों की तरफ आए और इसकी न्यू शुरुआत हो आपसे। लेकिन इस पर्सन की कुछ लोगों के पार्टनर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और रिबर्थ चाहते हैं, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आप लोग चाहते हो कि आपके साथ डिवाइन जो है जजमेंट करें, ठीक है, और आप लोगों का आगे फर्दर स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, लाइक क्लैरिटी चाहते हैं, जो इस पर्सन ने किया है वो चाहते हैं इसके साथ भी वैसा ही वो फेस करें। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे मुझे पर्सन कहीं खुश नज़र नहीं आ रहा। अगर थर्ड पार्टी के साथ ये खुश रहा भी है तो
आप टोटली वही एनर्जी है डिसेप्टिव वाली जो आप लोगों के साथ पास्ट में इस पर्सन ने की है। चले देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक आप लोगों की तरफ ही आएगा पर्सन। शादी से निकलना तो ये पर्सन चाहता है, जिधर कुछ लोगों के पर्सन निकलना चाहते हैं। मेंटल कंप्लाइंस, अभी ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज है, इसका मेंटल कन्फ्लिक्ट चढ़ा है। यहाँ पे फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड भी था एंड मेंटल कंप्लाइंस भी है, ठीक है। ये पर्सन जो है अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, मेंटल कन्फ्लिक्ट इसका कोई चल रहा है जिसको ये फेस कर रहा है और चाहता है कि इसकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो, लेकिन कन्फ्यूज़ ये पर्सन लाजमी है, डेफिनेटली ये पर्सन कन्फ्यूज है। सो आप लोगों की तरफ कब तक आ सकता है इस पर्सन को, यहाँ पे 2 वीक्स लग सकते हैं आप लोगों की तरफ आने में। कुछ लोगों के पार्टनर 2 वीक्स में आ सकते हैं, उनके पास कुछ एक्शन ले सकते हैं। नंबर 6 मूविंग ऑन, तो यहाँ पे 6 वीक्स भी लग सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन आपके पर्सन जो है यहाँ से निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज अभी ये थर्ड पार्टी में हैं तो इनको लग रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, आप लोग लाइट हो, तो ये पर्सन डार्कनेस से निकल के लाइट की तरफ आना चाहता है और चाहता है कि इसकी लाइफ में भी कुछ खुशियाँ आएँ। लेकिन यहाँ पर खुशियाँ कहीं भी नज़र नहीं आई मुझे, सिर्फ आप लोगों के लिए नज़र आया है। 2 ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करता है, वो भी कुछ लोगों के पार्टनर्स। मैं आपको क्लियर कट बात करूँगी, बिकॉज मैं शुगर कोट कुछ भी नहीं करूँगी, मैं किसी भी अपनी रीडिंग में शुगर कोट कुछ नहीं करती, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ लोगों के पर्सन जो हैं उनके साथ काफ़ी रोमांटिक फीलिंग करते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर डिसेप्टिव ही एनर्जी है, इंटेंशन उनकी अच्छी नहीं है इनके पार्टनर्स की। बिकॉज आई एम पिकिंग द एनर्जी जो के टोटली डिसेप्टिव है इस पर्सन की। नंबर 6 आपके लिए डबल मास्टर नंबर, डबल 6 इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। तो आपको हो सकता है इस तरह के एंजल नंबर कुछ नज़र भी आए जब ये पर्सन आप लोगों की तरफ आने वाला होगा, ठीक है। 555 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, चेंज आता है पर्सन कुछ। मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी, तो ये पर्सन जो है अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पैरिटी चाहता है और आप लोगों की तरफ डेफिनेटली आना चाहता है, चाहता है इसकी लाइफ में फुल ऑफ अबंडेंस हो, लाइक के फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो और डिवाइन से भी कनेक्ट होना चाहता है कहीं ना कहीं, ताकि आप लोगों की तरफ भी स्टेप ले सके। लेकिन यहाँ पर अभी ये अपना मेंटल कॉम्प्लेक्स फेस कर रहा है। नंबर 6 मेमोरीज ऑफ लव, आपके पर्सन जो है आप लोगों के साथ सॉलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है। ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद करता है, जो आपके साथ इस पर्सन का टाइम गुजरा है ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद करता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है। यहाँ मिसिंग एनर्जी बहुत है, कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पर उनको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 मंथ्स में आप लोगों की तरफ ही आ सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये टाइम है आप लोगों के लिए, 666 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। तो आप लोगों ने 666 को, ये एंजल नंबर है, आप लोगों को नज़र भी आ सकता है 666। तो ये इस पर्सन की मुझे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लेता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा है आपको। हो सकता है आप लोग इसके फ्रेंड्स वगैरह थे या आप कलीग्स थे, आपने एक साथ स्टडी भी किया हो, ठीक है। यहाँ आपका ये फैमिली में से भी कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका 6 ईयर या 5 ईयर जो है ओल्ड कनेक्शन भी आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है, लाइक रिलेशनशिप आपका इतने साल इस पर्सन के साथ रहा होगा मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मोस्टली 6 वीक्स यहाँ पे ईयर का जो है ना, 6 ईयर या 5 ईयर या 4 ईयर का ना आपका ओल्ड जो है रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ था, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने छोड़ा। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपका, प्यार याद करता है कि आपने इसको जो लव दिया था, काफ़ी रोमांटिक है ये पर्सन आप लोगों की तरफ। नंबर 3 हार्ट एक एंड लॉस, इस पर्सन का दिल काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोक की एनर्जी में है, अपने आप को टूटा हुआ फील करता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की रीडिंग है, थर्ड पार्टी तो है ही है। ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड है और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लॉस फील करता है, ठीक है। इसका दिल टूटा हुआ है, बिकॉज इसने आपका दिल भी तोड़ा था, तो अब इसका भी दिल टूटा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस देखूँगी, आप लोगों ने बिल्कुल भी डिसार्ड नहीं होना। ये पर्सन की मुझे एनर्जी पिक हो रही है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सैड है, मुझे एनर्जी पिक हो रही है, बिकॉज टोटली इस पर्सन की लो वाई एनर्जी है जिस तरह की मुझे फील हो रही है। मेरी इतनी इस वक्त लो एनर्जी हो रही है जैसे कि इस पर्सन की लो हो रही है। ऑब्वियसली ये कार्ड जो है एनर्जीज जो है कैच करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि किसकी एनर्जी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों से ये रेजोनेट कर रही है क्या। चलें डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, एंजल गाइडेंस क्या है, उनको किस गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, जस्टिस चाहते हो तो उसकी मैनिफेस्टेशन करो, इस पर्सन को वापस चाहते हो तो उसकी मैनिफेस्टेशन करो। और मैं भी आई प्रे
कि आप लोगों जिस तरह चाहते हो, आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आपकी पूरी हो। अगर आप इससे रियूनियन चाहते हो तो इस पर्सन का आपसे रियूनियन हो जाए, शादी चाहते हो तो शादी हो जाए। मेरी यही दुआ रहेगी आप लोगों के लिए। ओके, यू आर लिमिटलेस, रिकॉग्नाइज दिस ट्रूथ, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज टू डू। तो आप लोग लिमिटलेस हो, ठीक है, आप लोगों को ट्रस्ट रखना है अपने आप पे, आप लोग जो चाहो वो आप लोग कर सकते हो। ये आपको एंजल की तरफ से मैसेज आया है। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपको इस पर्सन आपके पास वापस आता है तो आप लोगों ने उसके साथ कम्युनिकेट क्लियरली करना है, ठीक है। जो कुछ भी आप फील करते हो आपने इस पर्सन को बताना है। फील इन अ सेंस कि इस पर्सन ने जो आपके साथ पास्ट में किया है उस चीज़ को आपने खुल के कम्युनिकेट करना है और इसको बताना है कि इसने ये किया है, ताकि इस पर्सन को भी पता लगे कि इसने आप लोगों के साथ क्या किया है। मैं ये कार्ड लूँगी क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा तो डेफिनेटली आप लोगों ने भी तो बताना है ना इसको, क्योंकि जब तक बताओ ना तो फिर अगले को रियलाइज तो नहीं होगा बिल्कुल भी। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन फॉर यू। तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि गो विद द फ्लो, जिस तरह चीज़ें जा रही हैं उनको जाने दें, ठीक है। आप लोग जैसा मैनिफेस्टेशन करोगे वैसा आपको मिलेगा, तो आप लोगों के लिए चीज़ें वैसी ही होंगी जैसा आप मैनिफेस्टेशन करोगे। इसीलिए आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। जिस तरह सब कुछ जा रहा है डिवाइन की तरफ से, उसको आप जाने दो, गो विद द फ्लो। वेट, तो यहाँ पे आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को और वेट करना पड़ सकता है, डिवाइन कह रही है आप लोग वेट करो, एंजल की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पे वेट करना होगा। सो पेशेंटली इस पर्सन का वेट करो, या पेशेंटली आप लोग जो अच्छा डिज़र्व करते हो उसका आपको वेट करना है, ठीक है। डेफिनेटली आप अच्छे हो तो आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव चीज़ों को ही आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो आप लोगों ने, मैं हमेशा यही कहती हूँ अपनी रीडिंग्स में, स्टे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल बी हैपन। आप लोगों ने बिल्कुल भी सैड डिसहार्ड नहीं होना, ठीक है। सो कुछ भी रेजोनेट किया है तो आप लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्रेस द बेल आइकन टू। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।